अरे दोस्तों, हरे कृष्णा। देखिए दोस्तों, ये 18 इंच की प्रतिमा है जिसका वीडियो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर चुका हूँ। और देखिए दोस्तों, ये प्रतिमा अब अपने स्थान पर पहुँच गई है। ये प्रतिमा की जो डिलीवरी करनी थी मुझे जयपुर के अंदर करनी थी, और मैं इस प्रतिमा को लेके जयपुर आ चुका हूँ। देखिए जिस तरीके से ये इनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, सारी चीज़ें होनी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कृष्णा जी की प्रतिमा है। और थोड़ा सा दीदी बताएंगी, जिनको मैं प्रतिमा हैंडओवर करने के लिए आया हूँ, डिलीवरी करने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा ये अपने भाव को व्यक्त करेंगे कि जयपुर इतना बड़ा शहर है, जयपुर शहर में इतनी सारी प्रतिमाओं का काम होता है, क्यों इन्होंने हमें चुना और क्यों हमसे इन्होंने प्रतिमा परचेज की। तो दीदी अब बताएंगी, दीदी बताइए आप। क्योंकि मैं पहले इनके वीडियोस देखे हैं और इनके वीडियोस में मैंने सारा सब कुछ देखा उसी और 2 महीने के बाद, क्योंकि एक्चुअली मैं पहले भी धोखा खा चुकी हूँ इस चीज़ को लेकर, विग्रह को लेकर, जो कि मेरी विग्रह जो मुझे विसर्जित करनी पड़ गई थी, उसके बाद मैंने इनसे मंगाई है। तो जो आपने पहले प्रतिमा ली थी दीदी, वो कहाँ से ली थी? वो यहीं जयपुर से ही ली थी मैंने। वो प्रतिमा आपने जयपुर से ली थी? खजाने अच्छा, वाले मार्केट से, खजाने वाले रस्तों से। अच्छा, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हुई उस प्रतिमा में? उस प्रतिमा में सारा उनका हाथ के साइड का पूरा सब झड़ रहा था। अच्छा, पूरा सब निकल रहा था। और एक्चुअली में जो क्लीनिंग थी, जो अब इस प्रतिमा में देख रही हूँ, उनकी पूरी प्रतिमा में धब्बे धब्बे, कुछ अजीब सी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हाँ मकराना मार्बल हो सकता है। अब दीदी आपके सामने आपकी ये प्रतिमा है जो आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, आराध्या मूर्ति आर्ट पे अपना विश्वास जताया और आपके अनुरूप प्रतिमा बनी। क्या उनका फीडबैक रहा आपके लिए, कैसे आपने ऑर्डर दिया और किस तरीके से आपकी प्रतिमा आपके पास में आके पहुंची? आप हमारे दर्शकों को, हमारे ठाकुर भक्तों को कुछ बताइए। भैया की मैंने, और जैसे जैसे भैया बनाते गए वैसे वैसे उन्होंने सारी वीडियो फोटोज वगैरह मेरे से शेयर करते गए। कुछ भी अगर आपको चेंज कराना है भैया ने बोला तो आप चेंज करा सकते हैं। इवन ये जो पेंटिंग उन्होंने की थी, पेंटिंग भी उन्होंने मेरे से पूछ कर करी थी, किस तरह की पेंटिंग करनी है, क्या करना है, मतलब कैसे करना है, सब उन्होंने मेरे ही अकॉर्डिंग करा है। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे मतलब प्रतिमा बनकर आएगी, और मेरे पास तो शब्द भी नहीं है जो भैया ने मुझे, मेरे ठाकुर जी, इस स्वरूप को मेरे सामने उन्होंने दे दिया। तो दीदी आप सभी ठाकुर भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे हमारे ठाकुर भक्तों को? मैं तो यही कहूँगी कि इधर उधर सब छोड़ के आराध्य मूर्ति आर्ट से ही अगर आपको कराना है तो उनका आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इन्हीं से मंगाइए, क्योंकि और मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, हरे कृष्णा। और देखिए दोस्तों, साथ के साथ दीदी ने ये सामान वगैरह भी परचेज किया है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सारी ज्वेलरी वगैरह है जो दीदी ने किए, जो हैंडमेड है। ये देखिए बाल वगैरह है, इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कि जो जो दीदी ने हमसे सामान परचेज किया है, क्योंकि हम लोग अपने हाथों से इनको तैयार करते हैं। ये पूरा श्रृंगार का सामान है, ये देखिए। एक्चुअली में जो इनका श्रृंगार का सामान भी है, मैंने जो मेरे पहले ठाकुर जी थे उनके लिए मैं लेती थी, जो श्रृंगार मेरे को अब मिला है मेरे को वहाँ पहले कभी नहीं मिला था। और इनके जो बाल वगैरह भी हैं जो इन्होंने खुद बनाते हैं, खुद वो करते हैं, इनके बाल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, ये राजा रानी की है चोटी, ये ठाकुर जी के बाल हैं, कर्ली हेयर तो मैंने इनसे मंगवाए थे, और ये राधा रानी के खुले केश। ये राधा रानी के खुले केश जिसकी मतलब जो क्या है, तो क्वालिटी बहुत बड़ी है इनकी क्वालिटी। और इनकी जो बांसुरी है वो भी बहुत, मतलब बहुत ही अच्छी है। इनका मैंने रजवाड़ा सेट मंगाया था आराध्य मूर्ति आर्ट से ही, जो इनका सेट भी बहुत ही प्यारा है, जब हमारी किशोरी जी पहनेंगी तो अलग ही उनका स्वरूप निकल कर आएगा। और इनका बोरला भी मंगाया है मैंने माठा पत्ती के साथ, मैंने 2 बोरले मंगाए हैं, एक माथा पट्टी के साथ, ये रजवाड़ा टाइप का है, ये इस टाइप में है। और एक ये है,
ये देखिए दीदी, अब अपने हिसाब से ये सारी चीजें करने जा रही हैं, इनको फूल माला वगैरह अर्पित कर रही हैं। देखिए आप इनका व्यू देख रहे होंगे दोस्तों, साइड से कितना क्लासिक व्यू आ रहा है। और बाकी दीदी ने अपने जो भाव हैं वो इस वीडियो के अंदर व्यक्त किए हैं। सभी ठाकुर भक्तों को मेरा प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देख लीजिए आप, अभी इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होली के बाद होनी है, तो दीदी अपने हिसाब से करवाएंगी। और जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसका वीडियो भी दीदी हम लोगों से जरूर शेयर करेंगे, और मैं आप लोगों के बीच में उस वीडियो को जरूर लेकर आऊंगा। हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। दीदी थोड़ा सा और कुछ कहेंगे ठाकुर भक्तों के लिए? मैं तो यही बोलूंगी कि किसी पर इधर उधर बिलीव करने से ही गया, आप आराध्य मूर्ति आर्ट से ही मंगाइए, जो भी आपकी बिगड़े आपको ये तो बिलीव है कि आपको धोखा कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक और वीडियो के अंदर। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, आप सभी का दिन मंगलमय हो।